फेसबुक के रील्स वीडियो पर भी कॉपीराइट क्लेम आता है। अगर आपके भी रील्स वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो उसे रिमूव कैसे करना है और कौन सा वीडियो आपका कॉपीराइट क्लेम में है उसे कैसे आपको पता करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया और फिर करना, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल जानकारियां आप लोग के लिए लाता रहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आपको यहां पर अपना फेसबुक ओपन करेंगे जब ना, तो यहां पर आपको प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना। प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहां पर देखिए ऊपर आपका जितना भी जो व्यूज है सब शो करेगा। उसके बाद आपको यहां पर इसको थोड़ा सा साइड करेंगे ना, तो यहां पर मोनेटाइजेशन का सेक्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अब आपका कौन सा देखिए मेरे जो है स्टार पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, तो यहां पर देखिए स्टार पर जब क्लिक करूंगा मैं यहां पर, तो यहां पर देखिए मोनेटाइजेशन लिमिटेड बता रहा है, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे गो पॉलिसी इश्यूज पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए नो मोनेटाइजेशन बिकॉज आफ्टर यू आर द एलबल द मनी ऑफ द स्मूथ द अमन कुमार फॉलोइंग द पार्टनर पॉलिसी बट डिटरमाइनिंग एलिजिबल फॉर द इज द बेस्ट दिस अदर फैक्टर। तो आपको कुछ यहाँ पर करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर बैक हो जाना। बैक करके यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए अब आपका कौन सा वीडियो कॉपीराइट में है सबसे पहले उसको पता करना। तो उसको पता करने के लिए आप जो है अपना यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे ना यहाँ पर सपोर्ट इनबॉक्स है, सपोर्ट इनबॉक्स पर आपको क्लिक करना। सपोर्ट इनबॉक्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन शो होगा, रिपोर्ट अबाउट अदर और योर अलर्ट। तो योर अलर्ट पर जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर जितना भी वीडियो आपका कॉपीराइट क्लेम में है यहाँ पर शो करेंगे। देखिए मेरा एक वीडियो कॉपीराइट क्लेम है तो यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर जब वो कॉपीराइट क्लेम इनेबल रहेगा मतलब यहाँ पर देखिए ओपन बता रहा है, मतलब कि मेरे वीडियो पर अभी कॉपीराइट क्लेम चल रहा है। तो उसके बाद इस पर ही आपको उसी पर टाइप कर देना। उस पर जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आना है सी डिटेल में, सी डिटेल में आपको क्लिक लेना है। सी डिटेल में जब क्लिक करेंगे, सी डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहा है कॉपीराइट कंटेंट फाउंड योर वीडियो। तो अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाउ डज कॉपीराइट वर्क। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लेना, उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू पर फिर आपको क्लिक करना। कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो तीन ऑप्शन शो होगा, देखिए एक्सेप्ट चेंज इन वीडियो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सबमिट डिस्प्यूट और तीसरा जो है रिमूव वीडियो। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको रिमूव वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर रिमूव वीडियो पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है आपके वो जो है आपके फेसबुक से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको डिलीट वीडियो पे क्लिक करना है। डिलीट वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए योर वीडियो वाज रिमूव्ड करके यहाँ पर आ गया है। अब आपका जो है कॉपीराइट क्लेम यहाँ से हट चुका है। अब आपको क्लोज कर लेना है, आपको कुछ करना नहीं है, सीधा आप ऑटोमेटिक बैक होकर अपने जो है आप अपने फेसबुक के होम में आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल पर नए सो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसी फुल जानकारी आप लोग लाता रहता हूँ।